बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम चुकंदर गोश्त बनाएंगे, जिसके लिए हाफ किलो हमने बीफ ले लिया है, हाफ किलो हमने चुकंदर ले लिए हैं जिन्हें कद्दूकस कर लिया है, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, दही हाफ छोटी प्याली, 2 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून सुर्ख पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून अचार गोश्त मसाला, 1 कप ऑयल। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे। अब इसमें नमक शामिल कर दीजिए, सुर्ख मिर्च, हल्दी। अब इसमें अचार गोश्त मसाला भी शामिल कर लीजिए और अच्छी तरह चम्मच चलाएं। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो इसमें ग्रीन चिली शामिल कीजिए। सब मिर्चें डालने के बाद फिर भूने। मसाला अच्छी तरह भून चुका है, अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। अब हमने इसमें गोश्त भी डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। आठ से दस मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया है, अब इसमें आधा जग पानी शामिल करेंगे। अब गोश्त को पकने के लिए 20 से 25 मिनट का टाइम दीजिए और फ्लेम स्लो कर दीजिए। हमारा गोश्त तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल तैयार है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से भून लीजिए, फिर इसमें दही शामिल कीजिए। अब इसमें दही शामिल कर दें। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट दही और गोश्त को भून लीजिए। अच्छी तरह भून चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है, अब हम इसमें चुकंदर शामिल करेंगे। चुकंदर शामिल होने के बाद इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लीजिए। अब 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर दम दे दीजिए। हमारा चुकंदर गोश्त पककर तैयार हो चुका है। चुकंदर गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।